रिसर्च पेपर्स कैसे पब्लिश करते हैं, और करें तो कहाँ करें, कॉन्फ्रेंस में या जर्नल्स में, और अगर करना भी है तो क्या हम पेड प्रोसीडिंग्स में जाएं या अनपेड में जाएं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में आपके साथ, जुड़े रहिए। तो गाइज, ये वाली वीडियो एक्चुअली हिंदी में होने वाली है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाली वीडियो की रिक्वेस्ट करी थी कि ये हिंदी में बनाई जाए, और इंग्लिश में ऑब्वियसली मेरा सारा कंटेंट तो अभी तक क्रिएटेड है ही, बट काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि रिसर्च पेपर वाली वीडियो हमारे को हिंदी में ही चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो हिंदी में भी बना दी आप लोगों के लिए, होपफुली आपकी हेल्प करेगी। अच्छा, क्या आपको पता है एक बात, एक्चुअल में जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करने जाते हैं और किसी अच्छी जर्नल या अच्छे प्रोसीडिंग में आप पब्लिश करते हैं उसको, तो ये अराउंड 3 to 5 months तो मिनिमम लग जाते हैं, और कभी कभी लोगों को 1-1.5 साल भी लग जाता है पब्लिशिंग में। हाँ, ये बिल्कुल सच है दोस्तों, इतना टाइम लगना वैसे तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एक्चुअल में रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, ये सब होता है, उसमें भी टाइम लगता है, और उसके बाद इतना सारा और टाइम लगे, तो एक रिसर्च पेपर अगर 1-1.5 साल में आपका पब्लिश हो रहा है तो बहुत स्लो काम होगा, इसलिए लोग काफ़ी सारे पैरेलल में भी काम करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर हमारे को पब्लिश करना ही है तो कौन सा रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए, कैसे टाइप के, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 main types के रिसर्च पेपर्स होते हैं। सबसे पहला है रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर वो पेपर होते हैं जिसमें दूसरे लोगों के पेपर्स को एनालाइज़ किया जाता है, और फिर सिमिलर पेपर्स होते हैं, ऑब्वियसली सिमिलर टॉपिक पे वो पेपर्स होते हैं, उनको एनालाइज़ किया जाता है, और फिर उनको एनालाइज़ करने के बाद एक रिव्यू लिखा जाता है कि हाँ, इस ऑथर ने ऐसे वाला अप्रोच ट्राई किया, इस ऑथर ने ऐसे अप्रोच ट्राई किया, और फिर कोई और ऑथर था उसने इन दोनों अप्रोचेस को मिलाया, ये सब हुआ, वो सब हुआ, और फाइनली जा करके अभी तक की बेस्ट अप्रोच ये लग रही है। तो ऐसा ही कुछ होता है आपका रिव्यू पेपर। हाँ दोस्तों, ये भी एक रिसर्च पेपर टाइप के ही होते हैं, बट इनकी वैल्यू बहुत ही कम मानी जाती है, तो ये वीडियो उनके बारे में नहीं होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल फ्लेज्ड रिसर्च पेपर्स की, जो कि एक्चुअल में रिसर्च पेपर्स है, जहाँ पे आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप जो एक्चुअल में उसको पब्लिश करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं कि हाँ, ये हमने प्रोजेक्ट किया, ये इसका प्रोसेस था, ये इसके रिजल्ट्स आए, यहाँ से हमने रेफ़र किया और दूसरे पेपर्स को भी देखा हमने, और हमें ऐसे लगा कि हाँ, ये हमारा वाला तरीका बाकी तरीकों से ज़्यादा अच्छा है। तो अगर कुछ ऐसा करते हैं, ये फुल फ्लेज रिसर्च पेपर होता है, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिव्यू पेपर्स, और इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फुल फ्लेज रिसर्च पेपर्स के बारे में ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या प्रोसेस रहता है रिसर्च पेपर्स बनाने का और पब्लिश करने का? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार, अगर मुझे आज एक रिसर्च पेपर स्टार्ट करना होता है, और मैंने बहुत सारे पब्लिश किए हुए हैं पहले भी, और आपको कैसे बताऊंगा कैसे करता हूं मैं स्टार्ट, उसका मेजर प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम पे काम करने में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि नहीं, मेरे पास ये डेटा है, वो चीज़ है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना कि हाँ, मेरे को ये चीज़ करनी है, आपको ट्विटर से डेटा निकाल के एनालाइज़ करना है, नहीं आपको कोई नया एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, जो भी आपको करना है, आपको उस टॉपिक को समझना पड़ेगा पहले, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और आपका इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो आप उसको पढ़ ही लेंगे कैसे भी करके। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कीजिए, एक टॉपिक सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आपका आता है, वो ये है, आपको उस टॉपिक पर कुछ रिव्यू पेपर्स निकालने हैं। रिव्यू पेपर्स क्यों निकालने हैं? क्योंकि एक्चुअल में जो लोग रिव्यू पेपर्स करते हैं ना, वो उस टॉपिक पे पहले ही बहुत सारे पेपर पढ़ चुके होंगे, और उनको काफ़ी सारी नॉलेज होती है, जो वो सारा कुछ रिव्यू पेपर्स में डाल देते हैं। ठीक है, लेटेस्ट रिव्यू पेपर्स उठाइए उस टॉपिक पे, जो भी आपका साल चल रहा है अभी, आज के साल के ही उठा लीजिए, इस साल के, और देखिए कि उन रिव्यू पेपर्स में कौन से पेपर्स को रिव्यू किया गया है, उसमें दूसरे ऑथर्स ने क्या अप्रोचेस लगाई हैं, क्या चीज़ ऐसी की है जो इनोवेटिव हो सकती है, और फिर आप उन्हीं अप्रोचेस को देखते हुए एक अपनी अप्रोच डिज़ाइन कीजिए। आप सोचिए कि हाँ, ऑथर ए ने ये किया, बी ने ये किया, सी ने ये किया, क्या पता मैं अगर इनमें से 2 अप्रोचेस को हाइब्रिड अप्रोच लगा दूँ, यहाँ पे दोनों अप्रोचेस को जोड़ दूँ, तो मे बी मेरा प्रोजेक्ट और अच्छा हो जाएगा, और इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने का चांस है। और काफ़ी रिसर्च पेपर्स ऐसे ही पब्लिश होते हैं, बिल्कुल यार। तो आपको इसमें यही करना है, आपको समझना है कि क्या और इनोवेटिव वे हो सकता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट हो, और उस वे को आपको निकालना है, और एग्जैक्टली उसी का नाम होता है रिसर्च करना, यहाँ पर समझना कि हाँ, ये चीज़ क्या है और मैं इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जब आपको ये चीज़ समझ आती है, व्हेन यू नो कि हाँ, मेरे को ये इस तरीके से करना है, तब आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करिए। जो डेटा चाहिए उसको, डेटा को पहले कलेक्ट कीजिए, फिर एक्चुअल में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कीजिए। वंस यू आर डन विद दैट, आपका रिसर्च पेपर बन जाता है, बेसिकली आपका प्रोजेक्ट हो जाता है। तो अब उसको सिर्फ आपको एक पेपर पर लिखना है, एक तरीके से लिखना है, एंड दैट्स, ट्रस्ट मी, वेरी इजी होता है वो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद तो, बट अभी बात करते हैं, तो आपको बस रिजल्ट तक पहुँचना है मेनली सबसे पहले तो। ठीक है, जब आप रिजल्ट पर पहुँच गए हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एक कॉन्फ्रेंस या जर्नल सेलेक्ट करना। ठीक है, दोनों ही अच्छे होते हैं, कोई भी ख़राब नहीं है यहाँ पर दोनों में से, बट एट द सेम टाइम काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, वो कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट तो कर देते हैं, बट उस कॉन्फ्रेंस का वो नहीं देखते कि
वो कॉन्फ्रेंस किस जर्नल से लिंक्ड है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी जरूरी है और इसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब हम कॉन्फ्रेंस वर्सेस जर्नल की बात करते हैं। बट दोनों ही अच्छे हैं, आपको जो समझ आए ज़्यादा आप उसमें एक्चुअल में जाइए, उनका फॉर्मेट पकड़िए कि हाँ ये वाला फॉर्मेट है जो मेरे को अपना पेपर उस फॉर्मेट में लिखना है, और उस फॉर्मेट में अपने पेपर को लिख दीजिए। उसमें सारा कुछ होगा कि आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, मेथोडोलॉजी लिखनी है, फिर रिजल्ट्स लिखने हैं, फिर कंक्लूजन लिखना है, फिर रेफरेंसेस, तो ये सारे कॉमन सेक्शंस होते हैं और ये आपको सारा कुछ उसमें मिल ही जाएगा। अच्छा, आप बात करें रेपिटेबल कौन सी कॉन्फ्रेंस या जर्नल्स होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कुछ सीरीज़ के नाम यहाँ पर जो सही में बहुत ज़्यादा रेपिटेबल हैं जो मुझे पता है। और आपको पहला अगर आप पेपर अपना पब्लिश करने जा रहे हैं तो इन्हीं से मैं कहूँगा आप स्टेक कीजिए और इनसे बाहर मत जाइए। तो वो कुछ नाम ऐसे हैं, एक तो IEEE हो गया, एक स्प्रिंगर हो गया, एक एल्सवियर हो गया। अगर आप इन सीरीज़ के विद इन रह रहे हैं ना, तो आपको जो भी पेपर्स मिलेंगे नॉर्मली अच्छे ही मिलेंगे। और बात करते हैं यहाँ पर अच्छा पेपर और भी निकालने के तरीके हैं, पर इन सीरीज़ में जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है ना, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई इम्पैक्ट फैक्टर देख रहे हैं, मान लीजिए इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत वेरी करता है, हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस में कोई 4 का इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही अच्छा है, बट वहीं पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हो सकता है वहाँ पर 10 का भी इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा ना हो। तो ये डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड, एरिया टू एरिया, एंड फाइनली ये थोड़ा बहुत सीरीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट जो इम्पैक्ट फैक्टर रेपिटेबल सीरीज़ के होते हैं, IEEE, स्प्रिंगर, एल्सवियर, वो आप वेरीफाइबल रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो एक्चुअल वैल्यू ही मानी जाती है उसकी। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी क्लास, थर्ड क्लास थोड़ी सी जर्नल होगी, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 15 भी है, अगर हो सकता है वो बिल्कुल भी अच्छा ना हो पेपर तब भी। तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, इन सीरीज़ में रहिए, इनसे बाहर मत जाइए। फाइनली पॉइंट नंबर 5 है आपका, आपको फॉर्मेट से कंप्लाई करना है। अगर आपने IEEE चूज़ किया तो IEEE का एक फॉर्मेट है, स्प्रिंगर चूज़ किया उसका एक फॉर्मेट है, ऐसे करके आपको फॉर्मेट उसके हिसाब से बनाना है जहाँ पे भी आपका पेपर पब्लिश होने जा रहा है। और उसके बाद आपको फाइनली इस पेपर को सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो लोग रिव्यू करेंगे, उनका एक स्पेशल टीम होती है जो रिव्यू करती है पेपर्स को, सारा कुछ देखती है कि हाँ ये सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। रिपीटेबल होना चाहिए आपका पेपर, नहीं तो वो पब्लिश नहीं करना चाहेंगे ऑब्वियसली, राइट? तो आपका पेपर अच्छा है कि नहीं है, नॉर्मली ऐसे एकदम से रिजेक्ट नहीं करा जाता अनलेस एंड अंटिल आपके पेपर में कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अदरवाइज अगर सारी जर्नल रिजेक्ट भी करिए तो आपको उस केस में समझना पड़ेगा कि क्या दिक्कत हुई है। नहीं तो 2-3 जर्नल अगर आप 5 में भी सबमिट करें, 2-3 जर्नल जरूर उसको एक्सेप्ट कर लेंगी, 2-3 प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट कर लेंगी। और वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा बहुत लाइकली है, वो क्या बोलेंगे कि इस चीज़ को आप चेंज कीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे बताइए, इसको ऐसे लिखिए, आपने ये वाला प्रोसेस किया इसमें आप बताइए ऐसा क्यों हुआ, आपने ये क्यों चूज़ किया प्रोसेस, वो क्यों नहीं किया। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे चेंजेस होते हैं, इनको आप इटरेशंस कह लीजिए, थोड़े बहुत चेंजेस रहते ही रहते हैं मोस्टली। और आप जब इन चेंजेस को कर देंगे तो फाइनली आपका कैमरा रेडी, पेपर रेडी हो जाएगा जिसको आपने डायरेक्टली जर्नल को पब्लिश करने के लिए देना है, और वो पब्लिश हो जाएगा वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप पहली बार कर रहे हैं। तो मैंने बहुत ब्रॉड अभी प्रोसेस बताया, ऑब्वियसली इसको डीप जाना चाहो तो कितना भी डीप चले जाओ ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, बट अभी आपको इतना ही जानने की जरूरत है, आप इससे स्टार्ट कीजिए और ऑब्वियसली आपको जहाँ पर दिक्कत आएगी वहाँ पर आप ऑनलाइन देख ही सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं जर्नल में पब्लिश करना चाहिए पेपर या कॉन्फ्रेंस में। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूँ, कॉन्फ्रेंस में जो होता है ना, एक्चुअल में पब्लिशिंग डायरेक्टली नहीं होती है, कॉन्फ्रेंसेज भी काफ़ी सारी होती है जो लिंक्ड होती हैं जर्नल से। जैसे कि काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज ऐसी होती हैं जो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आपका पेपर एक बार प्रेजेंट हो जाए तो वो IEEE, स्प्रिंगर, इन सब में आपका पेपर पब्लिश करवा देंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो कॉन्फ्रेंस भी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी है। बट अदरवाइज सिर्फ कॉन्फ्रेंस में अगर आप पेपर डिलीवर कर रहे हैं अपना और प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है नॉर्मली, वो ना के बराबर ही होती है वैल्यू। ठीक है, अब जर्नल्स के मैं फ़ायदे बताता हूँ। सबसे पहला तो मोस्ट प्रोबेबली वो पीयर रिव्यूड होती है, अगेन हर बार नहीं होती बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो हाई क्वालिटी तो होती ही है अगर पीयर रिव्यूड है तो। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि ज़्यादा टाइम लेती है पब्लिश करने में, क्योंकि जर्नल का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, अगर पीयर रिव्यूड है तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा ही उसमें, तो इट टेक्स मोर टाइम टू पब्लिश। बट अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस पेपर से जो आपने सिर्फ कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया है, तो उसके कंपैरिजन में जर्नल पेपर्स आर वर्थ एटलीस्ट ट्वाइस एज मच। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा अगर आपने कॉन्फ्रेंस के थ्रू जर्नल में पब्लिश कराया वो भी बहुत बढ़िया है, बट अगर आपने सिर्फ कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया है एज कम्पेयर टू कहीं जर्नल में पब्लिश किया हुआ है तो जर्नल वाला पेपर ऑब्वियसली ट्वाइस एज मच तो वर्थ होगा ही होगा उससे। अब आते हैं आपके फाइनल क्वेश्चन पे, दैट इज़ कि क्या हमें पेड जर्नल्स के लिए जाना चाहिए या फिर हमें नॉन पेड या फिर अनपेड कह लो उनमें जाना चाहिए। तो यार अब इसका आंसर अगर मैं बात बताऊँ आपको तो देखो, वैसे अनपेड वाला बहुत बेटर रहता है मोस्ट केसेस में, बट ऐसा हमेशा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनपेड वाला बहुत स्लो होता है। ठीक है, आप अगर जर्नल में पब्लिश करने जा रहे हैं और आप थोड़ा बहुत चार्ज पे कर रहे हैं तो वो काफ़ी फास्ट हो सकता है और उसकी रीच काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो इस चीज़ के वो पैसे लेते हैं आपसे। ठीक है, जर्नल में पब्लिश करना ईजियर हो जाता है अगर आप पे कर रहे हैं तो, बट एट द सेम टाइम अगर आप पे कर रहे हैं तो जनरली वो फास्ट होगा और उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रह जाती है। ऐसा होता है कि कभी कभार, अभी हर बार नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है फ्री वाली जर्नल में पब्लिश करें और बेकार निकले जर्नल, बट
मोस्ट केसेस में जो फ्री वाली होती हैं वो एक्चुअली बेटर होती हैं, पर वो बहुत टाइम भी लगाती हैं, वो पीयर रिव्यूड होती हैं, बहुत टाइम लगा करके वो पब्लिश करती हैं, आपके पेपर साल भी लग सकता है उसमें, और वो बहुत नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है। बाकी अगर आप पेड वाली में भी जा रहे हैं, बाय द वे आप उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं, अगर वो बोलें कि चार्ज है $100 तो आप बोलो कि यार मेरे से नहीं हो सकता $100, मैं नहीं पे कर पाऊंगा। अगर आपका पेपर अच्छा है, एक्सेप्ट हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 100 को लोअर कर देंगे, $75-$50 पे आ सकते हैं, वो बहुत कॉमन बात है ये, और मैंने ये होते हुए अपनी आंखों से बहुत बार देखा है। सो ट्रस्ट मी, यू कैन डेफिनेटली नेगोशिएट। ऑलराइट, अब यहाँ पर जाकर के मैं आपको एक दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ स्टूडेंट और आप एक रिसर्चर हैं, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी के बारे में बता रहा हूँ जिसमें आप भी पार्ट ले सकते हैं, एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स, जो कि यहाँ पर कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पर जा सकते हैं ymgrad.com पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, यू कैन साइन अप ओवर हियर, एंड देयर इज अ लॉट मोर स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू हु आर एक्चुअली pursuing their education both in India, overseas, all over the world. आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फाइनली जो बात आती है वो ये है कि अगर आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना नहीं आता, एंड यू वॉन्ट टू डू इट अंडर माई मेंटरशिप और अंडर समवन एल्स फ्रॉम माई टीम, यू नो, तो ऐसा हो सकता है, वी कैन हेल्प यू विद दैट, एंड वी हैव एक्सेलेंट PhD स्टूडेंट्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस सब काम में, जो बहुत सीजन रिसर्चर्स कहते हैं जिनको वो। तो फॉर दैट यू कैन टेक अ लुक एट दी रिसर्च पेपर ड्राफ्टिंग एंड पब्लिशिंग हेल्प सर्विस, वो यहाँ पर है, ymgrad.com पे ही है। फाइनली एक और चीज़, जब आपका पेपर रेडी हो जाता है ना, तो आपको उसको प्लेजरिज्म चेक के लिए भेजना होता है बिफोर एक्चुअली पब्लिशिंग। जो जर्नल्स है वो खुद भी प्लेजरिज्म चेक करती हैं, वो आपका प्लेजरिज्म चेक करती हैं टर्निटिन पे, तो अगर आप वो भी करवाना चाहते हैं तो वी कैन ऑफर दैट एज वेल, एंड दैट्स ओवर हियर, प्लेजरिज्म चेक रिपोर्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट निकल करके आती है, एंड यू कैन सी इसमें प्लेजरिज्म जितना कम रहे उतना अच्छा, ऑब्वियसली हम तो रिकमेंड नहीं करते 10% से ऊपर होता है तो पब्लिशिंग में दिक्कत आती है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और ये मैंने बहुत टाइम बाद आई बिलीव पहली बार ही ऑलमोस्ट कह लो इस चैनल पर हिंदी में वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आप बताना कैसी लगी आपको। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए, तभी बनाई है, नहीं तो मैं बनाता नहीं है, और अब बना दिए तो प्लीज़ यार शो मी योर लव, लेट मी नो कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय एंड टेक केयर फॉर नाउ।